अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इफ्तखार अहमद है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। और ये जो बच्चा मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, इसका नाम अपना नाम उस्मान बता रहा है, उस्मान बता रहा है। और ये अल्लाह वाली पे मुझे मिला है अभी, और एक मलबा पड़ा हुआ था, गुलाब का जो मलबा होता है ना, गुलाबों का, उस मलबे के ऊपर ये बच्चा सो रहा था। सही था उस्मान बेटा, गुलाबों के मलबे पर सो रहा था ये। और इसको अपनी वालदा का, वालिद का, किसी का भी कुछ नहीं पता, सिर्फ अपना नाम बता रहा है उस्मान। तो वहाँ रिजवान मच्छी वाले हैं, अल्लाह वाली को बहुत मशहूर रिजवान में मच्छी वाले, ये वहाँ पर था। तो मैंने उस लड़के से भी पूछा, उस लड़के ने भी मुझे ये कहा कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर है, खाना हम लोग दे देते हैं या कोई आगे खिला देता है इसको, न इसके माँ का पता है न इसके बाप को पता है। तो लिहाजा मेरा वीडियो बनाने का इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि ये बच्चा आप देख रहे हैं उस्मान, ये बहुत ही गंदी हालत में था, कपड़े भी इसने गंदे पहने हुए थे। अभी मैं इसको अपने घर पे लेकर आया हूँ, मेरा घर यूसुफ बोर्ड में पीरा भाई चौक, सही है। मेरी वालदा ने इसको नहलाया है, नहलाने के बाद ये मेरे छोटा बड़ा बेटा अहमद रजा, ये उसके कपड़े पहनाए इसको। तो लिहाजा मेहरबानी करके जिस किसी को भी इस बच्चे के बारे में कुछ इल्म हो या कुछ भी मालूम हो या कोई इसको जानता हो, बराए करम आप लोगों के भी बच्चे होंगे, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ लूँ आप लोगों से। इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते हैं आप लोग, जितना शेयर कर सकते हैं, जो ग्रुप हैं आपके, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हर किसी को ये वीडियो सेंड करें, ताकि ये अपना माँ बाप बहन भाइयों से जाके मिल सके। बेटा उस्मान, आप कहाँ रहते हो? गाड़ियों में रहते हो? तो आपके अब्बू कहाँ हैं? अब्बू का नहीं पता कहाँ से ले गए, थोड़ा गरीब लाओ के अम्मा। अब्बू का नहीं पता कहाँ है? और अम्मी? तो बस यही अल्लाह वाले पे ही सो जाते हो? खाते पीते कहाँ से हो? कोई दे देता है, कोई नहीं दे देता। अभी जब वहाँ आप सो रहे थे, जब मैंने आपको उठाया था, तो आप मलबे के ऊपर सो रहे थे, सही है। अभी यहाँ आया आपको अम्मी ने मेरी नहलाया, नहला के कपड़े पहनाए, अब सही है, अच्छा लग रहा है, सही है। ये मेरा घर है, इधर आओ बेट, इधर आओ। ये मेरा बेटा उबेद, सही है, ये आपका दोस्त है। एक मेरा बेटा अहमद है। अब जब तक यहाँ रहना चाहो, जब तक आपका कोई रिश्तेदार यार दोस्त नहीं आता, जब तक आप यहाँ रहो, सही है। जब कोई आपका रिश्तेदार या कोई जानने वाला आ जाएगा, जब आप चले जाना यहाँ।